हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट है यूनिट सेकंड का। ये फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। और आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, इंट्रोडक्शन करूँगी थर्मोडायनेमिक्स की। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो भी हम करेंगे। वो डेफिनेशंस मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए पीछे वाला और आप अच्छे से डेरिवेशन वगैरह मेरे साथ साथ कर सके। चलिए करते हैं स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स एनर्जी, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो डील करती है हीट चेंज के साथ एंड फ्लो ऑफ फिजिबल प्रोसेस। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास थ्री लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने ये पहले ही कर चुके हैं, 11th 12th से हम ये सब करते आ रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ये दिक्कत ना आए जब हम डेरिवेशंस करेंगे, एक्सप्रेशंस करेंगे और यूनिट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क। मतलब कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकेंड लॉ ये हम ब्रीफ में आगे और भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का वो यही है कि डिटेल में डिस्कस करें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये डील करता है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। इसमें हमें पता चलता है कि रेट क्या है और फिजिबिलिटी के बारे में। थर्ड लॉ प्लेसेज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो थर्ड लॉ है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन पुट करती है एंट्रोपी पे, एंट्रोपी की वैल्यू पे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच हीट चेंज ऑकर्स इज नोन एज सिस्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा यूनिवर्स का उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को हमारे पास सेपरेट करेगी उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। इस चीज को ऐसे समझिए जैसे कि आप अभी किसी रूम में बैठे हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम, और जो हमारे पास घर होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है। और जो हमारे पास दीवार है वो क्या होगी, बाउंड्री। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि आपका खुद का हाउस, ठीक है, ये क्या होगा, सिस्टम, और जो हमारे पास सराउंडिंग होगा वो क्या होगा, हाउस के बाहर वाला एरिया, एवरीथिंग अराउंड हाउस इज सराउंडिंग, ये क्या होगा, सराउंडिंग। और इन दोनों को जो दीवार सेपरेट कर रही है, जो वॉल इन दोनों को सेपरेट कर रही है, वो क्या होगा, बाउंड्री, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच हीट चेंज अकर्स इज नोन एज सिस्टम। जिसमें हमारे पास हीट चेंज हो रहा है यूनिवर्स में, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसमें हीट चेंज हो रहा है उसे हम सिस्टम बोलेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जिसके विद, मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हमारे पास हो रही है हीट, उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विद चेंज हीट, विद चेंज विद विच हीट चेंज अकर्स इज नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। बाउंड्री क्या होगी, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो हमारे पास कुछ भी है, जैसे कि हमने वॉल का एग्जाम्पल लिया था, जो सेपरेट करे सिस्टम और सराउंडिंग को, उसे हम बोलेंगे बाउंड्री। हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के थ्री टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम, थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे हम पहले ही एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर है जो कि काफी हॉट है, या फिर आप ले लीजिए एक कप ऑफ टी, ठीक है, एक कप ऑफ टी, जो आपने एक कप ऑफ टी ले रखा है वो हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है। कैसे, इसमें हमारे पास मास का भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास हीट का भी चेंज हो रहा है। अगर आप इस कप ऑफ टी को 15 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे तो आप खुद ही इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास मास का भी चेंज हुआ है इसमें और हमारे पास एनर्जी का भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या हो गया, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन
ओपन सिस्टम, ठीक है। इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, जैसे मैंने एक कप ऑफ टी का एग्जांपल लिया था, कोई भी हमारे पास सिस्टम है जो एक्सचेंज करे एज वेल एज मैटर, मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का चेंज करे, ठीक है, विद द सराउंडिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मास विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ए क्लोज सिस्टम। अगर ये हमारे पास कप है, इसके ऊपर हम प्लेट लगा दें, ठीक है, या फिर हम कोई भी ग्लास ले लेते हैं जिसे हम बंद कर दें, ऊपर से प्लेट लगा के, या कुछ भी आप रख दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो वो मान लीजिए सिंपल बोतल का एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंपल बोतल का एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एनर्जी का चेंज होगा। मतलब कि हमारे पास जो टी है, जो चाय है, वो ठंडी तो होगी, मतलब उसमें क्या है, एनर्जी का चेंज तो होगा कि वो हॉट से कोल्डर में चली जाएगी, लेकिन उसमें मास या फिर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। थर्ड हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम इन विच नाइदर द एनर्जी नोर द मास कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है, थर्मस। हम थर्मस का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं हम थर्मस का यूज, ताकि हम उसमें चाय, दूध, कुछ भी रखें, तो वो हमारे पास क्या है, वो उसमें ना तो हमारे पास क्या है, मैटर का एक्सचेंज होता, ना ही हमारे पास एनर्जी का चेंज होता। हम इसीलिए रखते हैं थर्मस में चाय, ताकि वो ठंडी ना हो अपनी और ज्यादा देर तक चल सके, ठीक है। हमारे पास कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे तो थर्मस में भी चाय है वो बहुत ज्यादा देर, मतलब घंटों रखने के बाद वो भी ठंडी हो जाती है। तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम तो कोई भी नहीं होता हमारे पास, लेकिन अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल ले तो थर्मस बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए होमोजेनियस सिस्टम। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, होमो मीन्स सेम, हेट्रोजेनियस सिस्टम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, टू और मोर देन टू। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट इज कम्प्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट सच ए सिस्टम हैज ओनली वन फेज। मतलब कि जिसमें हमारे पास कम्प्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो, ठीक है, मतलब कि जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही फेज प्रेजेंट हो। एक फेज मीन्स कि देखिए एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें हमारे पास सिर्फ वाटर है, ठीक है, तो वाटर किस स्टेट में पड़ा है, लिक्विड स्टेट में पड़ा है, मतलब उसका एक ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने इसमें आइस और डाल दी, तो आइस क्या हो गई, सॉलिड, और जो वाटर रह गया वो क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फेज आ गए, टू फेज आ गए। तो इन टू फेज को, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू फेजेस आ गए। तो ऐसा सिस्टम, सच सिस्टम हैज टू और मोर देन टू फेजेस आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि आप अभी किसी रूम में बैठे हैं, तो उस रूम में आपके अलावा एयर प्रेजेंट है, एयर में हमारे पास क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ही हुआ। The properties of the system which arise from the bulk behavior of the matter are called macroscopic properties. ठीक है, जो properties किसी भी system के bulk behavior से arise हो, ठीक है, किसी भी matter के bulk behavior से भी arise हो, कहने का मतलब क्या है, bulk behavior means bulk properties. Bulk properties कौन कौन सी होती है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब क्या होती है हमारे पास, ब्लक प्रॉपर्टीज होती है। तो इन प्रॉपर्टीज से जो हमारे पास मैटर में जो चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जिन प्रॉपर्टीज से हमारे पास मैटर के ब्लक बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उन्हें हम टू टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच कैन डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम
प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मीन्स क्या है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी किसी भी सिस्टम के। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, उसके मास पे, उसके वॉल्यूम पे, उसकी डेंसिटी पे, ये सब किस में आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो प्रॉपर्टीज हमारे पास डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी पे अगर डिपेंड नहीं करेगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी क्वालिटी पे। क्वालिटी की अगर बात करें तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, हीट है, एक्सेट्रा। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी सिस्टम की कंडीशंस अंडर गिवन सेट ऑफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मींस क्या है, स्टेट मींस सिस्टम की स्टेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की कंडीशंस किसके अंडर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंडर, मतलब कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी सब डिफाइन कर दे और उससे हमें स्टेट पता चल जाए सिस्टम की। ठीक है, अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स कौन सी होंगी, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या होंगी, जो हमें स्टेट बताएगी सिस्टम की, ये होंगी स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय ए प्रोसेस। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है किसी भी सिस्टम की वो किससे चेंज होती है, किसी भी प्रोसेस से चेंज होती होगी। जब हम अभी हमने बताया कि जैसे कि हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो उससे हमें स्टेट पता लगती है। ठीक है, वो कैसे पता करते हैं, हम स्टेट वेरिएबल से पता करते हैं। कुछ तो प्रोसेस होगा जिससे हम इन सब चीजों को पता करते होंगे, तो इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, वन स्टेट टू अनदर। देखिए, हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, कुछ हम लगभग डिस्कस करते ही रहते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो वहां पे इन प्रोसेस का हम यूज करते ही करते हैं। आइसोथर्मल मींस थर्मल मींस टेम्परेचर। टेम्परेचर जहां पे हमारे पास कांस्टेंट रहे, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट। मीन्स जहां पे हमारे पास जो हीट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें हमारे पास प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। ए प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डीपी इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू जीरो, दैट इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन है वो मे भी रिवर्स हो जाती है, किसी भी रिएक्शन की स्टेज पे आके हमारे पास थोड़ा बहुत वेरिएबल में अगर हम चेंज कर दें तो वहां पे उस प्रोसेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कितनी बार कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम बात कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, ताकि ये मैंने बहुत ही इजी डेफिनेशंस दिए आपको, तो ये आप साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में जाके गूगल पर सर्च ना करना पड़े और बाद में किसी बुक में ना देखना पड़े कि हाँ ये क्या होता है। इसलिए मैं ये सब चीजें आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूं, ताकि आपको बार बार इन चीजों को रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हीट। हीट हमें पता ही है क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, दैट इज हीट। ठीक है, हीट क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज एक्सटेंड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। हीट क्या होती है, एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी चेंज किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिंपल सी बात है। कब कब, जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो, तो यही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। जो हीट है उसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। जो हमारे पास हीट की यूनिट होती है वो होती है कैलोरी, जिसे हम सी ए एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क हमारे पास जो भी हम क्या है,
एनर्जी में चेंज आता है, ये हमारे पास एनर्जी की अनदर फॉर्म होती है। देखिए डेफिनेशन, इट इज अनदर मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, वर्क इज सेट टू बी परफॉर्म्ड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दैट इज जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने उस स्थान से क्या है, दूसरे स्थान पर चला जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, एनर्जी ट्रांसफर की गई, एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद क्या है, वो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो गया। तो यही तो हमारे पास वर्क हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्क फंक्शन। द अनअकर्ड वर्क बाय ए सिस्टम ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब वर्क क्या होता है, जिसमें हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं तो वर्क हमारे पास क्या हो जाता है, किसी भी सिस्टम पर वर्क हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डिस्प्लेस हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्क। लेकिन हमारे पास अनअकर्ड वर्क कौन सा हुआ, जब मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं किया। ठीक है, जिस एरिया पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं हुई वो जो एरिया है वो कम घिसकेगा आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ए से, ए इक्वल्स टू हमारे पास होता है यू माइनस टी एस। देखिए हम छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, उसमें काफी इम्पोर्टेंट है, इससे रट लीजिए। ठीक है, क्रैम कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए कि हमें क्या है, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। यू हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, एस हमारे पास क्या है, एंट्रोपी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है फ्री एनर्जी। द अनयूज्ड एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क बाय एनी सिस्टम इज नोन एज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी कौन सी होती है, जो अनयूज्ड एनर्जी होती है, जिसे हमने यूज नहीं किया है, जो वर्क के लिए अवेलेबल होती है, उन्हें हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं जी से। जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच माइनस टी एस। एच हमारे पास क्या होती है, एंथैल्पी होती है। टी हमारे पास टेम्परेचर होता है। एस अभी बताया, एंट्रोपी होता है। अब एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। वैसे तो हमें पहले डेरिवेशन करनी चाहिए थी, जो हमें कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन, ये सब। लेकिन इससे पहले हम एंट्रोपी की डेफिनेशन देख लेते हैं, बिकॉज आपके माइंड में ये चीज रह जाएगी कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। तो इन मीन्स क्या होता है एनर्जी, ट्रॉप मीन्स क्या होता है, चेंज। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय आर जे ई क्लासियस। दैट इज, एंट्रोपी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, आर जे ई क्लासियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन मीन्स एनर्जी होता है, ट्रॉप मीन्स चेंज होता है, दैट इज चेंज इन एनर्जी। इट इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। इट इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, एंड इसको हम डिनोट करते हैं एस से। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी। मैथमेटिकली इट इज गिवन एज एस इक्वल्स टू क्यू बाय मी टी, दैट इज चेंज इन हीट बाय मी टेम्परेचर। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज गिवन बाय, देखिए मैंने आपको ईवीएस का टॉपिक करवा, सॉरी इन्वायरमेंटल फिजिक्स का कार्नोट साइकिल, वहां से आपको एफिशिएंसी पता होगी। वैसे हम ये 11th 12th में फिजिक्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे मेरे तो वो लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है चैनल पे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल हमारे पास नीटा से डिनोट करते हैं, ये कितनी होती है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय में T2, Q2 माइनस Q1 बाय में Q2। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखें, T2 बाय में T2 माइनस में T1 बाय में T2, तो T2 से तो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, T1 बाय में T2। सेम हमारे पास यहाँ पे Q2 बाय में Q2 है, माइनस Q1 बाय में Q2 करेंगे तो Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा। तो 1 माइनस Q1 बाय में Q2 इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाय में T2। तो 1 से 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, माइनस जो साइन है वो प्लस में चेंज हो गया, हमारे पास क्या हुआ, Q1 बाय में Q2 इक्वल्स टू T1 बाय में T2। इसको अगर मैं इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस T1 बाय में T2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं वापिस से तो क्या होगा हमारे पास, Q1 बाय में T1 इक्वल्स टू Q2 बाय में T2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल लिखो या ना लिखो, मतलब सीधा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक स्टेप बीच में और कर दिया कि Q2 बाय में Q1 इक्वल्स टू T1 बाय में T2 है। ठीक है, जो Q2 है इसके नीचे हम अगर T2 ले आए, Q2 के नीचे अगर हम T2 ले आए तो वो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Q2 मल्टीप्लाई में T2 इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाई में T1। अब हम यहां से Q1 बाय में T1, Q2 बाय में T2 ले आए, यहां से लाने के बाद हमने क्या किया, इसको इस साइड ले गए वापस से, यहां पे हमारे पास क्या बन गया, Q2 माइनस Q1 डेल Q, T2 माइनस T1 डेल T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
दैट इज क्यू बाय में टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास क्या आ गई, रिड्यूस्ड हीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन फ्रॉम टू स्टेट ऑफ सिस्टम। अभी हमने वर्क फंक्शन क्या की लिया था, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, यही होती है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी माइनस में टेम्परेचर और एंट्रोपी के प्रोडक्ट के। अगर मैं इसे एक सिस्टम के लिए लूं, मतलब टू स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्क फंक्शन की, तो हम अगर फर्स्ट स्टेट के लिए ए वन इक्वल्स टू यू वन माइनस टी एस वन मान सकते हैं, कंसीडर कर लिया हमने। सेकंड स्टेट के लिए भी ए टू इक्वल्स टू यू टू माइनस टी एस टू हो गया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन टू नाम दे दिया। अगर मैं इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दू टू से, मीन्स की टू से टू माइनस वन कर देती हूँ, तो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन यू टू माइनस यू वन टी एस टू माइनस टी एस वन, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए टू माइनस ए वन यू टू माइनस टी एस टू, ये किया मैंने सेम। अब जो इंट्रोपी वाली वैल्यूज है वो साइड में रख ली, तो यू टू माइनस यू वन क्या होता है, यू टू माइनस यू वन क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। सेम हमारे पास ए टू माइनस ए वन डेल ए हो गया, ठीक है, एस टू माइनस एस वन डेल एस हो गया, ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें, अभी मैंने आपको बताया मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है एंट्रोपी की, चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी हम इस साइड लेके जाए तो किसके इक्वल हो गया, टी डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू के, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होगी। अब इस चीज को मैं इसमें पुट आउट कर सकती हूँ, तो पुट कर दीजिए फोर्थ को थर्ड में, फोर्थ को थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, डेल ए इक्वल्स टू डेल यू माइनस डेल क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ नाम दे दिया। अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने ये इक्वेशन आपको पहले ही बता दी थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, E इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, ठीक है, इसको मैंने इंटरनल एनर्जी मान लो तो यहाँ पे डेल यू आ जाएगा, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये हमारे पास अगर चेंज इन हीट माने हम तो चेंज इन हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस में डब्ल्यू, इसको सिक्स इक्वेशन नाम दे दिया। अब ये डेल क्यू की वैल्यू मैं इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ए इक्वल्स टू डेल यू माइनस में डब्ल्यू, तो डेल यू से डेल यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच गया, डेल इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। एज वी नो दैट डब्ल्यू रिप्रेजेंटेड वर्क डन बाय द सिस्टम, सो डेल ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एंड डेल ए इक्वल्स टू माइनस पी डब्ल्यू, पी डेल वी हमें पता है वर्क क्या होता है, पी डेल वी, तो वही वैल्यू तो यहाँ पे पुट करके दिखाई है। वैसे हमारे पास वर्क मैक्सिमम कितना आ गया, माइनस डेल ए, ठीक है, अपोजिट ऑफ मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन, यही तो हमें एक्सप्रेशन निकालना था। नेक्स्ट सेम हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस हमें गिब्स फ्री एनर्जी के लिए करना है। गिब्स फ्री एनर्जी कितनी दी हुई थी, गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय एच माइनस टी एस, एच हमारे पास इंथैल्पी दैट इज एनर्जी, टी इज टेम्परेचर, एस इज एंट्रोपी। फर्स्ट स्टेट के लिए माने तो जी वन इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, जी टू इक्वल्स टू ये हो गया। अब अगर हम इसको इक्वेशन वन मान ले, इसको इक्वेशन टू मान ले, तो टू माइनस वन करेंगे तो जी टू माइनस जी वन इक्वल्स टू एच टू माइनस एच वन माइनस में टी एस टू माइनस टी एस वन, तो टी कॉमन निकालिए, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन क्या हो जाएगा, डेल एस, एच टू माइनस एच वन कितना हो जाएगा, डेल एच। चेंज इन थैरेपी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन फ्री एनर्जी गिव्स फॉर एनर्जी, वी नो दैट डेल एच इक्वल्स टू, हमारे पास अभी हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस में पी डेल वी। मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस में पी डेल वी, ठीक है। सेम हमारे पास एंथैल्पी के लिए ये इक्वेशन है, तो डेल जी इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल यू प्लस पी डेल वी, क्योंकि मैंने क्या है डेल एच की वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए, इसे इक्वेशन फोर्थ नाम दे दीजिए, तो फोर्थ पुट फोर्थ इंटू थ्री पुट करने के बाद डेल यू प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस चीज को डेल यू माइनस में टी डेल एस हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, डेल जी इक्वल्स टू डेल ए प्लस पी डेल वी। अब देखिए डेल ए किसके इक्वल, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि डेल ए वर्क मैक्सिमम किसके इक्वल आया था, माइनस डेल ए के, या फिर हम पुट कर सकते हैं डेल ए इक्वल्स टू माइनस में डब्ल्यू, तो यहाँ पे यही चीज तो पुट की है मैंने। ये पुट करने के बाद अगर हमारे पास पी डेल वी हम मान ले एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम ले तो डेल वी हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वहां पे डेल वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी जो
एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पे हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो डेल जी किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू के, दैट इज डेल जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, हेंस द रिजल्ट। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और एंड इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उनके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और जब भी आप वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको कोई लिंक या नोट्स जरूर प्रोवाइड करती हूँ, और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।